हेलो टू ऑल माय ग्रेड नाइन स्टूडेंट्स एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारे सेल चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड तुम लोगों को ना बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है आई एम टॉकिंग अबाउट हमारा ई आर विच इज आर रेटिकुलम एंड आज हम इंडिविजुअली हमने सेल वाला पूरा चैप्टर बहुत बार पढ़ा है बट तो भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि तुम्हें कही कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनल्स में डाउट होता है अब सेल ऑर्गेनल्स में डाउट है तो मैम है यहाँ पे कि हम सारे सेल ऑर्गेनल्स इंडिविजुअली बिट्स एंड पीसेज में पढ़ेंगे सबसे पहले हम ई ER आर से बिगिन करते हैं एंड ये क्या करता है ये हमारे सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है क्या करता है ये हमारे सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क देता है मतलब एक ढांचे जैसा स्ट्रक्चर हमें सेल में देखने को मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ द ईआर अब ईआर ER में क्या है दो और सब डिविजन है एक है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम एस ई आर बोलते हैं और एक है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम क्या बोलते हैं आर ई -E आर अब स्मूद और रफ के बीच का डिफरेंस में तुम्हें फेस वॉश और स्क्रब से बताऊंगी तुमने फेस वॉश देखा है कैसा स्मूथ सा होता है मक्खन सा एकदम सॉफ्ट सा वहीं पर जो फेस स्क्रब होता है उसमें ना छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं तो इनका स्मूद एंड रफ का डिफरेंस ही वही है स्मूद थोड़ा सा ना जेली टाइप एकदम सॉफ्ट सा होता है एंड रफ में ना थोड़े से ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं अगेन दिस वर्ड एंड दिस एंटायर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसको हम क्या बोलते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं ठीक है अब ये ऐसे 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 पैटर्नस में अरेंज होता है जिन पैटर्नस को हम क्या बोलते हैं तिस्टर्नस जिनको हम क्या बोलते हैं तिस्टर्स एंड ये न्यूक्लियस के आसपास होता है ठीक है इतना क्लियर है फिर हमारे पास आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जैक्टली उसकी एक डेफिनेशन तो ये एक मेम्ब्रेन होता है जो ऑर्गेनेल में होता है एंड ये हमें सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स मतलब कि जिसका न्यूक्लियस जिसके सेल ऑर्गेनल्स एक प्रोमिनेंट शेप में होते हैं अनलाइक प्रो कैरिटिक सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता तो यह हमें यू कैरिटिक सेल्स में देखने को मिलता है एंड इसका मेन काम है प्रोटीन को जनरेट करना प्रोटीन को जनरेट करना एंड लिपिड्स को जनरेट करना ठीक है इसी के साथ साथ ये क्या करता है कैल्शियम को स्टोर करता है तो एक तरीके से ये पूरे सेल के लिए लिपिड एंड प्रोटीन्स रहा है ठीक है अब हमारे पास आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस तो ये तुम्हारी एनसीआर में बहुत छुपा हुआ टॉपिक है तुम बुक खोलने बैठोगे ना तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मिलेगा एकदम सामने नहीं मिलेगा बट ये इम्पॉर्टेंट है विच इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहां विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड ठीक ई ER से क्या बन रहा है ER, ई मतलब हमारा एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम टोटली प्रोटीन एंड लिपिड्स बना रहा है तो जो हमारे सेल का जो कवरिंग हो जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये किससे बनता है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिक्यूलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल ऑल टुगेदर आर नोन एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एनिमल सेल की कवरिंग होती है उसका जो फॉर्मेशन उसका जो सिंथेसिस है वो कौन करता है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स करते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ठीक है फिर इसके फंक्शंस हैं ई के फंक्शंस तो ये क्या करता है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ई आर इज़ टू सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स तो चैनल ऑफ़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स मतलब ये एक रास्ता दिखाता है जैसे हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो कौन से चैनल से हो रही हैं वो हो रही हैं एक ब्लड से है ना वैसे ही ईआर ER क्या करता है एक रास्ता या एक जरिया होता है जिसकी वजह से चीज़ें सेल के अंदर घूमती हैं स्पेशली प्रोटीन्स और ये सेल के अलग अलग रीजन्स में बी साइटोप्लाज्म साइटोप्लाजम या बाकी जितने भी रीजन्स हैं न्यूक्लियस के आसपास के वहाँ तक चीज़ें ले जाता है इसके बाद ई क्या करता है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पूरी सेल की बॉडी को एंड वो फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क एक स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है तो ई ER आर सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बट एक क्रूशियल सेल ऑर्गेनेल है सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कोई भी नहीं होगा सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बट येस ई आर इज़ एन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल एंड आई होप ये वीडियो तुम लोग को बहुत अच्छी लगी होगी ऐसी और वीडियोज आती रहेंगी टिल देन टिलेट यून एंड हैप्पी लर्निंग